एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये आज का टॉपिक है। एनवायरमेंट, हम लोगों ने अभी तक जितने भी लेसन्स पढ़े हैं सब में एनवायरमेंट के बारे में जरूर पढ़ा है। अब देखते हैं कि एनवायरमेंट में पोल्यूशन कैसे होता है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई भी ऐसे फॉरेन मटेरियल जो एनवायरमेंट के ओरिजिनल कंसिस्टेंसी को चेंज कर दे और जिसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन पे हो, या सिंपल शब्दों में बोला जाए कि कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो वो कहलाएगी पॉल्यूटेंट, और जब वो एनवायरमेंट में मिल जाएगी तो जो इफेक्ट होगा वो कहलाएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी सब्सटेंस का एनवायरमेंट में ऐड होना, किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, रेडियो एक्टिविटी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, किसी भी फॉर्म की एनर्जी जब वो एनवायरमेंट में मिलती है। और एक खास बात है, पॉल्यूटेंट तब कहलाएगी जब उसके मिलने का रेट उसके डिसअपीयर या डिस्पर्स्ड या डाइल्यूट या डिकम्पोज्ड या कि फिर रिसाइकिल होने के रेट से कम हो। मतलब क्या है कि डिसअपीयरेंस जो हो जाएगा तो फिर वो पॉल्यूटेंट नहीं कहलाएगा, लेकिन डाइल्यूट हो जाएगा तो पॉल्यूटेंट नहीं कहलाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा तो पॉल्यूटेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इन सब प्रोसेस की तुलना में उसका रेट ज्यादा हो तब वो पॉल्यूटेंट कहलाएगा, और अगर ये एनवायरनमेंट में धीरे धीरे इकट्ठा होता जाएगा तो एडवर्स इफेक्ट देगा या हार्मफुल इफेक्ट देगा। अब देखा जाएगा कि क्लासिफिकेशन क्या है एनवायरनमेंट का। तो क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए पॉल्यूशन का, तो ये मेजर, अगर इसमें तीन पॉल्यूटेंट्स आते हैं मेजर, एक तो है एयर पॉल्यूशन जो स्काई में रहेगा, वाटर पोल्यूशन जो जितनी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, सरफेस वाटर हो, सब सरफेस वाटर हो, किसी में भी अगर पोल्यूशन हो रहा हो तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। लैंड या सॉइल, चाहे वो सॉइल हो, डेजर्ट हो, वेटलैंड हो, सरफेस में, अर्थ सरफेस में जितना भी पोल्यूशन होगा वो लैंड पोल्यूशन कहलाएगा। ये तो उसके मेजर क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आज की सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो पॉल्यूटेंट की श्रेणी में आते हैं, जैसे नॉइस पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये प्लास्टिक पॉल्यूशन आजकल नया चला है, जब से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ है ना, तब जब प्लास्टिक जब बना तो लगा बहुत अच्छी चीज बन गई, और उसके 40-50 साल बाद लगा अरे ये जो चीज थी ये तो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है। हो सकता है आने वाले समय में आपको ई वेस्ट का भी पॉल्यूशन पढ़ने को मिले। तो इस टाइप के मॉडर्न सोसाइटी के अलग पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स हैं, और जो नेचुरल वे पे हैं वो एयर वाटर सॉइल वो तो है। पॉल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट देता है, एडवर्स इफेक्ट देता है। एनवायरनमेंट में भी देगा, वाइल्ड लाइफ में भी देगा, मतलब फौना में भी देगा, ह्यूमन के हेल्थ में देगा, प्लांट्स में देगा। तो इस टाइप के बहुत सारे एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट पॉल्यूशन के कारण आते हैं। इन्हीं सब चीजों का डिस्कशन हम इस यूनिट में सीक्वेंस वाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चूंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इस यूनिट में हमको क्या क्या आगे पढ़ना है। मेजरली हमको पढ़ना है इसमें डेफिनेशन, कॉजेस, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ, चार पांच पोल्यूशन के टाइप हैं जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, मेराइन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और न्यूक्लियर हैजार्ड, जिसको कि न्यूक्लियर पोल्यूशन कहते हैं। तो इन सभी वैरायटीज ऑफ पोल्यूशन का हमको डेफिनेशन पढ़ना है, किस कारण होते हैं वो कॉजेस पढ़ना है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं वो एडवर्स इफेक्ट पढ़ना है, और किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सके वो डिस्कस करना है। उसके बाद आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कॉजेस, इफेक्ट और कंट्रोल मेजर है। इसमें अर्बन का भी पढ़ना है और इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी पढ़ना है। नाउ रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, मतलब हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या रोल रहेगा इस पॉल्यूशन को कम करने में। इसके रेफरेंस में हम पॉल्यूशन केस स्टडीज देखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे विथ रेफरेंस टू फ्लड, अर्थक्वेक,
साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड्स। तो आइए इनको एक एक करके अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं।